कन्नौज के विकास खंड हसेरन के सभागार में रेखांकित फाउंडेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण काल में बच्चों द्वारा पोस्टर बनाकर संदेश देकर सभी को जागरूक किया गया। रेखांकित फाउंडेशन की प्रतियोगिता में जनपद से करीब 150 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। जनपद कन्नौज में 3 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया, जिसमें जज के रूप में थाना अध्यक्ष पूनम अवस्थी, पूर्व प्राचार्य मेजर नवीन टंडन ने छात्र छात्राओं के पेंटिंग को देखकर 3 पोस्टरों को सेलेक्ट किया, जिसमें क्रमशः प्रथम स्थान प्रगति तिवारी पुत्री आलोक तिवारी निवासी हसेरन कक्षा 9, द्वितीय स्थान दामिनी वर्मा पुत्री रोहित वर्मा कक्षा 9, तृतीय स्थान प्रत्युक्ष दीक्षित पुत्र अलंकार दीक्षित निवासी मंडपुरा कक्षा 6 ने प्राप्त किया। हसेरन सभागार में बच्चों को खंड विकास अधिकारी राम समुच, एडीओ संजीव शर्मा, रेखांकित फाउंडेशन संस्था की तरफ से छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आज यहाँ पे हमने एक पेंटिंग कॉम्पिटिशन जो बच्चों का करवाया था कोरोना के समय, तो आज उन जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पेंटिंग में, तो उन 3 बच्चों को यहाँ पे सम्मानित करवाया गया है, जिसमें वीडियो सर और एडीओ पंचायत सर मौजूद रहे हैं, उनके हाथों बच्चों को सम्मानित करवाया। इसमें कितने बच्चों ने भाग लिया? इसमें 60 से क्रॉस बच्चे थे, लेकिन उसमें 3 बच्चों की पेंटिंग अच्छी लगी और इसका चयन किया गया, उसके बाद उन बच्चों को सम्मानित किया गया। द पंचौरा न्यूज के लिए हसेरन कन्नौज से उज्जवल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।